फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे कार्यालय कलेक्टर शिक्षा विभाग जिला बस्तर जगदलपुर का भी जो स्वामी आत्मानंद का जो नया स्कूल खुला है वहां के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। तो बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ अभी आत्मानंद स्कूल जो स्टार्ट हुआ है। एक तो सेजेस करंदोला भानपुरी है, सेजेस बकावंड है, और सेजेस धर्मपुरा और सेजेस नानगू। तो ये चार स्कूल है, इसके लिए पोस्ट आई हुई है। आप देख पा रहे हैं काफी सारे पोस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। हम देख पा रहे हैं कि लगभग 73 पोस्ट, 73 पद यहाँ पर आए हुए। इसका नोटिफिकेशन जो है आपको ये 26 26 जुलाई को जारी हुआ है। कुल जो पोस्ट है वो 73 पोस्ट है, तो आप देख पा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बात कर लेते हैं कि जो पोस्ट है इसके लिए हम अप्लाई कब तक कर सकते हैं। तो अप्लाई आप 10 अगस्त तक आप कर सकते हैं, 5:30 बजे तक, ठीक है। आगे हम बात करें यहाँ पर कितने पोस्ट कौन कौन से आए हुए देख लिए। सारे जो पोस्ट है वो एक एक पोस्ट है, और सेजिस करंदोला, सेजिस बकावंड, सेजिस धर्मपुरा और सेजिस नानगुर जो है, ये चार स्कूल जो है चारों स्कूल के लिए एक एक पोस्ट, सारे पोस्ट। जैसे व्याख्याता के लिए बात करें तो हिंदी का 4 पोस्ट, अंग्रेजी 4 पोस्ट, संस्कृत 4 पोस्ट, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी। उसके बाद बात करें हम शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला, तो संस्कृत का पोस्ट है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, और गणित का भी पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है। सारे पोस्ट चार चार की बात हो रही है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी है यहाँ पर, कंप्यूटर शिक्षक, जो 4 पोस्ट इसके भी आए हुए हैं। अगर आपने क्या किया, मान्यता प्राप्त तो विश्वविद्यालय से 50 अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में कंप्यूटर साइंस IIT BSc बी बीटेक BCA योग्यता है आपका, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला के लिए भी आपका आवेदन यहाँ पर आप कर सकते हैं। आपको विज्ञान के लिए यहाँ पर पोस्ट है, एक तो अनारक्षित के लिए है और एक अनुसूचित जनजाति के लिए है। उसी प्रकार से हम कला में देखें तो कला में भी अनारक्षित के लिए है और अनुसूचित जनजाति के लिए है। चलिए ग्रंथपाल का भी पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन ग्रंथपाल का पोस्ट कहना चाहिए एक ही पोस्ट आया हुआ है। तो टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है 73, 73 पोस्ट आए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ नियम एवं शर्तें यहाँ पर बताया गया है। उस नियम एवं शर्तें को तो वैसे हम देखते आ ही रहे हैं, काफी सारे फॉर्म आपने भी अप्लाई किए होंगे और काफी सारे जो नियम है वो आपको भी पता होगा। फिर भी हम बात कर लेते हैं, बने रहे हमारे चैनल के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें। विषयवार जिन विज्ञापित पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से हो जाएगी उन पदों पर संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी या कहना चाहिए जो एम्प्लॉय पहले से जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो शिक्षा विभाग में, तो वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिनियुक्ति यहाँ पर मान्य है, प्रतिनियुक्ति आप ले सकते हैं। तो संविदा जो जिस पद की प्रतिनियुक्ति से भर्ती हो जाएगी तो वहां पर संविदा भर्ती नहीं होगी, स्पष्ट लिखा है। संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन जारी नवीन प्रचलित संविदा नियुक्ति नियम के शर्तों के अधीन होंगे। आवेदक द्वारा संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम से शैक्षणिक योग्यता ग्रहण करने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी न्यूनतम अर्हताधारी बोर्ड विश्वविद्यालय परीक्षा हिंदी माध्यम से की है और उन्हें किसी मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय में समकक्ष पद एवं विषय पर अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन कार्य का 5 वर्ष का लगातार अनुभव सेवा रखते हो तो उनके आवेदन पर विचार किया जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंजेस आप देख पा रहे हैं, जो आवेदक अगर अंग्रेजी माध्यम में अगर उपलब्ध नहीं होते हैं, अगर उन्होंने क्या किया है, कोई अंग्रेजी माध्यम कोई कॉलेज है, अंग्रेजी माध्यम कोई स्कूल है, और वहां पर लगातार उन्होंने 5 वर्ष का सेवा अगर दिया हुआ है और अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है तो उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा, यहाँ पर बोला गया है। जिले के स्थानीय उम्मीदवारों को तो प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाने की स्थिति में जिले के बाहर के उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा। और राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय हेतु समय समय पर जारी निर्देश जो है, पंजीकृत समिति विद्यालय के संचालन व शर्तों से संबंधित नियम निर्देश जारी करेंगे, ठीक है। संस्कृत एवं हिंदी विषय के अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम अध्ययन अध्यापन की बाध्यता शिथिल होगी। आप जैसा कि जान रहे हैं कि हिंदी और संस्कृत के लिए दिक्कत नहीं है, हिंदी माध्यम से पढ़े हुए जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत स्नातकोत्तर राजनीति
इतिहास अर्थशास्त्र भूगोल विषय में अंग्रेजी माध्यम से साले महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर तथा बीएड की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित मापदंडों के अनुरूप छानबीन समिति और छानबीन उपरांत अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। मेरिट अनुक्रम के आधार पर एक पद के विरुद्ध 5 अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के न्यूनतम अर्हताधारी परीक्षा में प्राप्त अंकों का 80% एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित 20 में से प्राप्त अंकों के योग में से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन एवं विस्तृत जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी www.bastar.gov.in पर। अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ में समस्त शैक्षणिक योग्यता यहां पर अटैच करना होगा, संलग्न करना होगा। निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना है। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु क्या करना होगा, यहाँ पर पृथक पृथक आवेदन करना होगा। अगर आप प्रत्येक पद अलग अलग पद के लिए करते हैं तो वो तो करना ही है, लेकिन आप अलग अलग विद्यालयों में भी आप क्या करना चाहते हैं, आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग से क्या करना होगा, यहाँ पर आवेदन करना होगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में बोल रहा है यहाँ पर। आवेदक अपना आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर जिला जगदलपुर को स्पीड पोस्ट यहाँ पर करना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कहा गया है। संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, आवेदित पद का नाम, विषय। तो आवेदित पद का नाम, विषय और यहाँ पर प्राथमिकता क्रम में पद स्थापना हेतु चाहिए गई संस्था का नाम। तो देखो, 4 स्कूल है तो आपको जो प्राथमिकता देना है, पहले करंदोला को देना है, उसके बाद बस्तर को देना है, नानगुड़ को देना है ना। तो इस टाइप का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्रिफरेंस दे सकते हैं। और अलग अलग पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग से आवेदन करना होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक करके हमें जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए ताकि हम ऐसे वीडियो आप तक लेकर आते रहें। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर ये कीजिएगा।